नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जेड नाम वाले जातक एवं सी नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो आप दोनों को शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा, आखिर वो बंधन कैसा रहेगा? दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है। उसके बाद वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, जेड नाम वाले जातक एवं सी नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में एक समानता ज्यादा नहीं होती है। इस नाम के जो दोनों जातक होते हैं तो इन दोनों की अपने अपने जीवन में जो भी जरूरतें होती है, जो भी आवश्यकताएं होती है, वो एक दूसरे से अलग होती है, एक दूसरे से भिन्न होती है। वैसे इसके अलावा यदि जेड नाम वालों की बात करें तो जेड नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने आने वाले समय के प्रति बेहद आशावादी होते हैं। अपने आने वाले समय से बहुत ज्यादा उम्मीद, बहुत ज्यादा आशा करते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि सी नाम वालों की बात करें तो सी नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। हमेशा अपने जीवन में कुछ बदलाव करना, कुछ परिवर्तन करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं एवं अपने जीवन के यात्रा में नए नए लोगों से मुलाकात करना, नए नए लोगों के साथ में समय बिताना, नए नए लोगों के साथ में कहीं घूमने जाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा इस नाम के जो जातक होते हैं वो स्वभाव से बहुत ज्यादा क्रोधी, बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं। छोटी मोटी बातों पर बहुत ज्यादा क्रोध, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। मित्रों, जेड नाम वाले जातक एवं सी नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो सामान्य रहेगा, न ज्यादा मजबूत न ज्यादा खराब। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में एस्ट्रो फॉर यू को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में जय बाबा भैरव आप कमेंट अवश्य कर दें एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।